नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, उसके साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें ब्रेकआउट होने वाला होता है या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। इसके साथ में इस समय लास्ट एक दो दिन से मेरी पूरी कोशिश यही है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स पे हम लोग डिस्कशन करें जो कि मार्केट जब रिकवरी लेगा। अभी देखिए मार्केट 12,200 के लेवल से ऑलमोस्ट 11,540 तक का आज लेवल दे गया निफ्टी, राइट। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का जब डाउनफॉल हो चुका है मार्केट में ऑलरेडी, इतना करेक्शन हुआ। तो अब अगर रिकवरी आती तो ऐसे में कौन सा स्टॉक ऐड करने लायक रहेंगे, किनमें हमें अच्छी रिकवरी दिख सकती, तो मोस्टली हमारा फोकस ऐसे स्टॉक्स पे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कैडिला हेल्थ से। कैडिला हेल्थ का अगर आप देखोगे, इसका एक तो सपोर्ट जो रहता है 260 के आसपास में सपोर्ट है और दूसरा इसका सपोर्ट है 253 का। आज का अगर आप देखोगे डेली डेली चार्ट पे देखोगे जो आज की कैंडल है, ऑलमोस्ट इसने एक लो बनाया आकर के 255 के आसपास में, वो वहां से रिकवरी लेकर के क्लोजिंग इसकी जो है कल के लो के इक्वल यानी 262 के ऊपर में क्लोज करके गया है कैडिला। तो देखिए अगर फंडामेंटली बात करें, कैडिला इज वेरी गुड कंपनी, फार्मा कंपनी। अभी आपको यहां से अगर ऐड करना है कैडिला तो डेफिनेटली दिस इज द लेवल टू ऐड, थोड़े स्टॉक्स ऐड कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर ये ब्रेक कर देता है 262 के लेवल को तो वहां से ब्रेक कर सकते हैं, वहां से ऐड कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ये एक रिकवरी देने के फुल चांस में रहेगा। और एक बार ये जो हमारा लेवल है ऑलमोस्ट 265 का, जी हाँ 265 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो इंट्राडे वाले, बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे पीपल, अगर इंट्राडे में 265 के ऊपर एक कैडिला निकलता है तो फिर आपको 267 और 268-9 तक के लेवल इजिली दे करके जाएगा। जिनको पोजिशनली होल्ड करना यानी ऐड करके होल्ड कर लेना है वो कल मार्केट ओपन होने का वेट करो। देखो अगर फार्मा सेक्टर ऑलमोस्ट देखिए आज रिकवरी के मोड में आ गया था लास्ट टाइम पे, तो ऐसे में अगर ये 2-3 पॉइंट नीचे भी आता है तो आप इसको नो डाउट 259, 257 या 255 तक की रेंज में डेफिनेटली उठा लो। मैं तो बोलूंगा 260 या 259 के आसपास में आता है ये स्टॉक उठाने लायक है, और इसको आप होल्ड करो 2-3 वीक होल्ड करो, आपको डेफिनेटली ये 275 तक के लेवल इजिली दे करके जाएगा। सपोर्ट की एसएल की बात करेंगे स्टॉप लॉस तो 253 का स्टॉप लॉस लेकर के कैडिला हेल्थ को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। दोस्तों आज ये जुबिलेंट लाइफ साइंस के बारे में मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था। टेलीग्राम में देखिए 515 या 518 के आसपास में, आई थिंक 515 पे जब मैंने पोस्ट किया था उसके जस्ट बाद 518 गया, 518 के बाद में इसने हमारा 520 का लेवल अचीव किया, देन सेकंड टारगेट वाज 530, तो 530 में 529 तक इसने आज बनाया हुआ है हाई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने सपोर्ट से रिवर्स करके गया है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। अब कल इस स्टॉक पे नजर रखना है, अगर देखे जिन्होंने ऑलरेडी आज होल्ड कर लिया वो होल्ड करके चले, स्टॉप लॉस उनका वही है जो बाइंग प्राइस था ऑलमोस्ट 515 के पास में, स्टॉप लॉस रखो होल्ड करके चलो। वो बाकी जिन्होंने ऐड करना है वो लोग क्या करेंगे, 530 के ऊपर इसको ऐड कर सकते हैं, वहां से स्टॉक आपको फिर से 540 जो कि हमारा आखिरी टारगेट है 540 का, वहां तक जा सकते हैं वहां। और जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो तो मैं तो बोलता हूं इसको देखिए होल्ड कीजिए स्टॉक को इवन 545 तक, ये स्टॉक डेफिनेटली अच्छा करके जाएगा, एक बढ़िया स्टॉक है ये। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे पीडीलाइट। पीडीलाइट एक लगातार शानदार मूव देता जा रहा है ऊपर की तरफ। अभी यहां से देखिए लास्ट 1 वीक से एक हाई पे चल रहा था 1600 के, वहां से आकर के इसने जो लो दिया है 1526 का, यानी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स डाउन आया है। फाइनली आज रिकवरी देखे स्टॉक में उस हिसाब से और रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है। अब अगर ये कल स्टॉक 1565 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है पीडीलाइट, देन वी आर गोइंग टू सी 1575 यानी 1575 और उसके बाद में 1580 इवन 1590 एंड 1585 तक के लेवल आपको पीडीलाइट दे करके जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, आई एम रिपीटिंग दिस, अगर 1565 के ऊपर सस्टेन करता है वी कैन ऐड दिस स्टॉक एंड आवर फर्स्ट टारगेट विल बी ऑलमोस्ट 1575 देन 1580 एंड 85। बाकी
अगर ये नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से आप देखिए, मान लीजिए कल मार्केट निगेटिव ओपन होता है, स्टॉक भी नीचे आ जाता है सडनली, तो उस केस में वेट कीजिए ऑलमोस्ट 1535 यानी 1535 के आसपास का वेट कीजिए, वहां से स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में लगातार आई थिंक कई वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, इसमें दोस्तों एक चीज बहुत देखने वाली है, लगातार एक अपने चैनल में चल रहा है, राइट। अभी आप देखोगे शायद इस बर्जर पेंट को मैंने कल भी डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ओके, अभी आप देख पा रहे हो ये चैनल में चल रहा है लगातार बर्जर पेंट, और ऊपर की तरफ की बात करें, थोड़ा इसको और जूम करेंगे, ऊपर की तरफ देखिए इसको रेजिस्टेंस मिलता है 590-595 के आसपास में, या फिर आप इसको 600 भी बोल सकते हो, बट मोस्टली इसका रेजिस्टेंस है 595। नीचे की तरफ इसका शानदार सपोर्ट बना हुआ है लगातार 565 के पास में, 4 दिन से देखिए लगातार ये स्टॉक उसी सपोर्ट पे आकर के ऊपर चला जाता है। फाइनली आज जो इसने क्लोजिंग दी है 20 DMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, अभी इसमें अगर ये स्टॉक देखिए कंटिन्यू करता यानी 580 के ऊपर निकलता है, 580 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है देन अगेन इट इज गोइंग टू शो यू 585। जी हाँ, 585 के लेवल के लिए इसको ऐड करना सही रहेगा अगर ये 580 के ऊपर जाता है। नीचे की तरफ अगर गिरता है स्टॉक तो फिर से यहां पे यानी कि ये जो लेवल है इसका 565 का जो लेवल है इस पे नजर बना के चलो, अगर इसको ब्रेक कर दे अच्छे वॉल्यूम के साथ में देन नेक्स्ट लेवल विल बी अराउंड 560 और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल विल बी अराउंड 550। बट मोस्टली अगर यहां तक स्टॉक आता है तो वेट कीजिए, जैसे रिवर्सल दिखता है 565 के आसपास में तुरंत फिर से आप उसमें ऊपर की तरफ लॉन्ग कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे वोल्टास। वोल्टास का भी एक बहुत ही शानदार पैटर्न बना हुआ है, अगर इसमें आप देखोगे ये चीज देखने वाली है, एक चैनल देखिए इसका, अब ट्रेंड में इसका चैनल चल रहा है, राइट। अभी यहां से नीचे आया, सपोर्ट लिया इस रेंज में आकर के, फिर से रेजिस्टेंस लिया यहां पर आकर के, फिर से सपोर्ट लिया यहां पर आकर के एंड फिर से रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 740 के आसपास में आया है। अभी दोस्तों इसी को एक्चुअली में अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक चार्ट एनालिसिस पोस्ट कर दूंगा, इलियट वेव को ये फॉलो करता जा रहा है। इलियट वेव यानी आपका, खैर मैं इस पे एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, इलियट वेव में मतलब 1 2 3 5 वेव्स इधर से होंगी, बाकी ABCD इधर से डाउन साइड में। तो अभी ये अगर देखा जाए प्रॉपरली तो 1 2 3 4 अभी फिफ्थ वेव इसमें जानी है, तो जो फिफ्थ वेव आएगी वो ऑलमोस्ट फिर से 740 या 50 तक के लेवल पे आएगी। तो वोल्टास में नजर रखिए, कहीं ना कहीं देखिए 680 के आसपास में रिवर्सल देखे जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल ये ओपन होगा तो ओपन होने के बाद में ही पॉजिटिव यानी 690, अभी क्लोजिंग इसकी 685 के आस 684 के आसपास में शो हो रही है, यानी 690 इवन 700 तक के लेवल इसमें आते हुए दिख सकते हैं वोल्टास में। बाकी अगर नीचे आता है तो फिर एक जो इसका सपोर्ट है 678 यानी 678 या 680 के पास में इस स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। तो स्टॉक एक ऐसा है जो रिवर्सल के मोड में ऑलरेडी है, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर 678 678 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर वोल्टास को नीचे की तरफ शॉर्ट किया जा सकता है इजिली, फॉर द लेवल ऑफ 668 10 पॉइंट्स इजिली आपको देखे वोल्टास नीचे भी चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे रिलायंस। रिलायंस में कल भी मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था उसको, 200 DMA के पास में मैंने बोला था रिलायंस का आना बनता, और देखिए कल वाला गैप आज फिल हुआ या नहीं, अब ये आप लोग खुद ही बता सकते हैं अगर आप लोग डेली वीडियो वॉच करते हैं हमारा। कल मैंने बोला था कि ये जो लाइन है 200 DMA इसको टच करने रिलायंस अभी आ सकता है, यानी 1376 या 1380 का सपोर्ट था, और फाइनली वही हुआ, देखिए नीचे जरूर आया ऑलमोस्ट 1370 के आसपास में आया स्टॉक, और उसके बाद में इसने एक अच्छी रिकवरी दी है, क्लोजिंग 200 DMA के ऊपर है, 1380 के आसपास में क्लोजिंग है। अगर कल 1385 के ऊपर रिलायंस निकलता है देन इट कैन शो यू रिवर्सल, और वो रिवर्सल फिर से 1390 और 1400 तक के लेवल का रिवर्सल रिलायंस में हो सकता है। अभी नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, दैट इज SDFC बैंक। SDFC बैंक में भी दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसने 200 DMA को ब्रेक कर दिया है।
ले, बट इसमें एक चीज और भी है कि इसका अगर आप सपोर्ट देखोगे 1180 1180 का सपोर्ट है, पहले भी देखिए आया था 1180, रिवर्स कर गया फाइनली ये 1260 यानी 1260 तक गया, फिर नीचे आया 200 DMA को ब्रेक करके, आज भी ऑलमोस्ट 1181 तक का इसने लो बनाया, और फाइनली जो मार्केट जब क्लोज हुआ है क्लोजिंग के टाइम में आज HDFC बैंक ने हाई लगा के क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट 1202 के लेवल पे ऑलमोस्ट आई थिंक क्लोज हुआ है, 1200 के लेवल पे पूरी रिकवरी की है, वॉल्यूम अच्छा है, ये स्टॉक रिकवरी के लिए परफेक्ट है, 1220 के लेवल के लिए इसको ऐड किया जा सकता है HDFC बैंक को। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे कोटक बैंक। कोटक बैंक का कल ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोल दिया था, एक बुलिश मूव में है ये स्टॉक, अभी अगर देखे कंटिन्यू करता है 1685 यानी 1685 के ऊपर अगर कोटक बैंक निकलता है, देन अगेन इट्स गोइंग टू शो यू 1690 एंड 1695 यानी कि 1690 और 1695 इवन 1700 तक के लेवल कोटक महिंद्रा में बरकरार रहेंगे, तो कोटक महिंद्रा पे नजर रखिए, एक अच्छा स्टॉक है। अभी इसके बाद में सन फार्मा है, उससे पहले चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी तो डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पहले मैंने उठाया, निफ्टी को काम करते हैं हम लोग पहले डेली चार्ट पे आते हैं, राइट। डेली चार्ट पे अगर जब हम लोग आएंगे बहुत क्लियर है, देखिए 200 DMA के नीचे ब्रेक करके गया, लो आज बनाया इसने ऑलमोस्ट 11,540 का, 540 का लो बनाने के बाद में रिकवरी जो आई है, क्लोजिंग जो आई है 11,600 के ऊपर की क्लोजिंग है। तो दोस्तों अभी भी इसमें देखिए बुलिश, तब तक हम इसको नहीं बोलेंगे प्रॉपर रिवर्सल तब तक नहीं होगा जबकि 11,700 यानी 11,700 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है निफ्टी में, देयर इज नॉट अ प्रॉपर रिवर्सल। तो और इसमें इसमें जो एक रेजिस्टेंस भी है वो 11,680 700 के आसपास में रेजिस्टेंस रह सकता है निफ्टी में। तो निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, लेवल्स हमारे पास हैं, तो अभी ये देखिए कल के ही लेवल है, राइट। जी हाँ, ये कल के ही लेवल है, देखिए मैंने सपोर्ट 630 का बोला था, देन 615 एंड फाइनली 560 का। तो अगर आप यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को आवरली में लेकर के जाओगे या 15 मिनट के कैंडल में लेके जाइए, तब आपको लेवल पता चलेगा कि कितना वर्क करता है और कितना हेल्पफुल होता है ये लेवल। तो देखिए ऑलमोस्ट 560 के आसपास में ये लाइन आप देख पा रहे हो, राइट। 565 के आसपास में अगर आप देखोगे अच्छा खासा निफ्टी ने आज सस्टेन किया है, यानी इस सपोर्ट को अच्छी खासी रेस्पेक्ट मिली है। अभी हमारे पास ये जो 630 का है लेवल है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, एक रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा फिलहाल। तो रेजिस्टेंस में अगर देखें 11,630 का एक रेजिस्टेंस है, राइट, और उसके बाद में देन वी हैव ऑलमोस्ट 11,690 और उसके बाद में सारे रेजिस्टेंस आपके पास में है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 11,560 का एक अच्छा सपोर्ट तो है ही है, उसके साथ में दोस्तों एक और जो सपोर्ट आएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 11,500 का। तो हमारे पास निफ्टी के सपोर्ट है प्लस रेजिस्टेंस है, इसी हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, इनको मैच कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, पेपर टेस्टिंग कीजिए, फिर देखिए ये लेवल आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अब चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों लेवल्स यहीं पर है, सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का 30,000 का बना रहेगा, 30,000 इज अ गुड सपोर्ट। उसके बाद में 29,940 का सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है देन 29,780 यानी ऑलमोस्ट 800 29,800 का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में एक सपोर्ट और है हमारे पास ऑलमोस्ट 29,700 का। ऊपर की तरफ की बात करें 30,220 का रेजिस्टेंस है, क्लोजिंग जो है 30,100 के ऊपर में है, तो ये रेजिस्टेंस अच्छा खासा सही रहेगा इसमें बैंक निफ्टी में, देन 30,330 देन 30,500। अभी अगर यहाँ पे बात करें देखिए बैंक निफ्टी ने आज जो एक सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट 29,770-780 के आसपास में सपोर्ट इसने लिया हुआ है, राइट। अगर आप देखिए यह नॉट 780 सॉरी 29,970, तो 970 से लेकर के 9 आई थिंक 950 इसका लो रहा है आज का। जी हाँ, 940 950 आज इसका लो रहा है, जो कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट ऑलरेडी मैंने कल आप लोगों को दिया था। तो दोस्तों सपोर्ट मेंटेन है, रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन्स है, इन्हीं को बस आप फॉलो करो, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। बाकी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी में भी जब तक कि देखिए 30,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती बैंक निफ्टी में, देर इज नथिंग लाइक बुलिशनेस, बुलिशनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी जब तक कि
30,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है बैंक निफ्टी में। अब एक बार इसका ऑप्शन चैन डेटा भी देख लेते हैं। ऑप्शन चैन डेटा नेक्स्ट वीक का हम लोग देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में अगर आप देखोगे अभी भी 11,500 के पास में अच्छी खासी पुट राइटिंग है, यानी एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 11,500, एंड देन वी हैव 11,600 एज वेल, यानी कि 11,600 भी एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। इसके साथ में एक चीज इंटरेस्टिंग है दोस्तों यहाँ पर, कि ऑलमोस्ट 2 लाख का देखिए टोटल ओआई डेवलप हुआ है 11,700 के लेवल पर भी। तो इधर से रेजिस्टेंस की अगर भी अगर बात करोगे, टोटल 16.5 लाख का टोटल रेजिस्टेंस है 11,700 के लेवल पे। और जैसा कि चार्ट भी बोल रहे हैं, मैंने क्लियरली आपको बोला राइट, चार्ट में भी यही चीज दोस्तों बोली गई है कि जब तक कि 11,700 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देके जाता, इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कीजिए पहले, डेली चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये रेड लाइन आप देख रहे हो राइट, 11,700 के ऊपर की जब क्लोजिंग आएगी तभी वो बुलिश होगा, अदरवाइज 11,700 का जो लेवल है एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में, वो सेम चीज यहां से देखिए प्रिडिक्ट हो रही है ऑप्शन डेटा से भी राइट। ऑप्शन चैन में आइए देखिए, ऑलमोस्ट 16.5 लाख का टोटल ओआई यानी प्रेशर बना हुआ है, तो इसी हिसाब से आप कल ट्रेड लीजिए। चलिए आखिरी आखिरी स्टॉक है हमारे पास सनफार्मा का, तो सनफार्मा में आज एक अच्छा मूव आया है अपने सपोर्ट के पास में, जो इसका देखिए एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है वहां से इसने एक शानदार रिकवरी दी है। अभी यह रिकवरी कंटिन्यू करके 4,390 एंड देन 400 तक के लेवल इसमें एक्सपेक्टेड रहेंगे, तो सनफार्मा पे नजर रखिए। अगर देखिए आपको अवेलेबल हो जाता है या ऑलमोस्ट इवन नीचे भी आता है 370 375 के आसपास में आता है तो इसको ऐड कर लीजिए बेधड़क। अभी ऊपर की तरफ की बात करें तो इसमें जो एक्सपेक्टेड लेवल है सनफार्मा में वो 390 एंड 395 इवन 400 तक के लेवल एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। इसके साथ में दोस्तों ट्विटर को भी आप, ट्विटर में मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैंने जैसे आज ये देखिए ऑप्शन चैन कॉल दी थी राइट, ऑप्शन कॉल निफ्टी की, ऑलमोस्ट 8 रुपीज का प्राइस था, 33 का हाई लगा के गया है आज ये स्टॉक। मैंने तो 20 तक के टारगेट दिए थे, सारे हमारे अचीव हो गए राइट। उसके बाद में अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम है आपके पास तो वहां पे सर्च कीजिए एनआरजे स्पेस फाइनेंस, वहां से भी आप मुझको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नई एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।